एक नागिन का शुरू से ही ये सपना रहता है कि वो नागिन से सदियों की तपस्या द्वारा इच्छाधारी नागिन बन जाए। बस एक ऐसा ही सपना हमारी कहानी की नागिन नेत्रा का भी पूरा हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में उसके पिता नागराज उसे बधाई देते हुए कहते हैं, बधाई हो मेरी पुत्री, तुमने मेरा सर सम्मान से ऊंचा कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि अब अगली पूर्णिमा को तुम मेरी सिंहासन की नागरानी बनोगी। पिताजी, जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे दुनिया की हर कामयाबी प्राप्त हो जाएगी। अब याद रहे कि तुम्हें ही नागमणि की सदैव रक्षा करनी है और नागलोक को संभालना है। लेकिन अगर तुम कभी भी किसी इंसान के प्रेम में पड़ती हो तो ये सब शक्तियाँ तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और नागलोक का वारिस तुम्हारा भाई किशोर बन जाएगा। आप चिंता मत करिए, मैं आपको निराशा का कोई अवसर नहीं दूंगी। नागराज ये सब समझा कर उसके कक्ष से चले जाते हैं। तभी किशोर खुशी से उसके कक्ष में आकर उसे गले लगा कर कहता है, दीदी मैं बहुत खुश हूँ कि आप अगली पूर्णिमा को नागलोक की रानी बन जाएंगी। काश मैं बड़ा होता तो नागलोक का अगला नागराज मैं बनता। तू बने या मैं, बात तो एक ही है ना, मैं सिंहासन संभालूं या तू, ये तो हमारे नागलोक का नियम है कि नागराज की पहली संतान जो सबसे पहले शक्ति प्राप्त करेगी वो नागलोक संभालेगी। वैसे भी तू भी अगले हफ्ते अपनी शक्तियाँ प्राप्त कर ही लेगा। चल, बहुत बातें हो गई, अब मैं थोड़ा वन में घूमने जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ तुझसे। इतना कहकर नेत्रा नागवन में अपनी दोस्त मेनका के पास जाती है और मेनका उसे देखकर कहती है, आ गई मेरी नागरानी। अरे तू तो ऐसे मत बोल, मैं तो सदैव तेरे दोस्त रहूँगी। अब बता कि आज नागलोक में कहाँ घूमने चले। जब तू नागरानी बन जाएगी तो अपने भाई के साथ मेरी शादी करवा दियो। तू तो जानती है ना कि वो और मैं एक दूसरे से सदियों से प्यार करते हैं। अच्छा चल, ये सब छोड़, जब तू नागरानी बन जाएगी तो खुद कोई नियम तोड़ नहीं पाएगी। उससे पहले ना मैं तुझे पृथ्वी लोक लेकर चलती हूँ, बहुत मजा आएगा घूमने में। जिसके बाद मेनका की बात मानकर दोनों पृथ्वी लोक आते हैं और वहाँ आकर नेत्रा और मेनका वहाँ के लोगों का वेश धारण कर लेती है कि तभी अचानक मेनका वहाँ से गायब हो जाती है। और तभी कुछ गुंडे हाथों में बेल पत्र बांध कर आते हैं और नेत्रा पर हमला कर देते हैं। तभी उन गुंडों में से बिरजू नाम का गुंडा एक बेल पत्र बंधे हुए खंजर से नेत्रा पर वार करता है और नेत्रा बेल पत्र की वजह से उन पर पलटवार नहीं कर पाती और वो उसे मौत के घाट उतार देता है। नेत्रा मरकर एक आत्मा बन जाती है और आत्मा बनने के कारण वो चाह कर भी नागलोक नहीं जा पाती, जिसके बाद वो एक मंदिर में जाकर शिव भगवान की मूर्ति के आगे कहती है, हे शिव, ये क्या कर दिया तुमने मेरे साथ। अभी तो मैं इच्छाधारी नागिन बनी थी और अगली पूर्णिमा में नागलोक के सिंहासन पर विराजमान होती, फिर भी मेरी सहेली ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो मुझे क्यों ऐसे बेसहारा छोड़ गई और गुंडों ने मुझ पर हमला किया, मुझे जवाब दीजिए। इतना कहकर नेत्रा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके आंसुओं की ताकत से शिवजी को उसके सामने आने पर विवश होना पड़ता है और वो सामने आकर कहते हैं, उठो पुत्री, तुम्हारे आंसुओं की ताकत ने मुझे तुम्हारे सामने आने पर विवश कर दिया है। मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम नागलोक आत्मा रूप में जाओ और अपने कातिल का पता करो। तब तक तुम सबको दिखाई दोगी और आम इच्छाधारी नागिन की तरह रहोगी, लेकिन तुम्हारा बदला पूरा होते ही तुम गायब हो जाओगी। और अगर बदला पूरा ना भी हुआ तो भी एक हफ्ते बाद तुम धूल समान गायब हो जाओगी। अगर तुमने अपने कातिल को सजा दी तो तुम मुक्ति पालोगी, वरना सदैव पृथ्वी लोक पर भटकोगी, तथास्तु। इतना कहकर शिव जी अंत ध्यान हो जाते हैं और नेत्रा नागिन अपना बदला लेने सबसे पहले बिरजू और उसके साथियों के पास जाकर उन्हें मौत की नींद सुला देती है, जिसके बाद वो नागलोक जाती है, जहाँ पहुँच कर वो अपने आप से कहती है, मेनका ने जानबूझकर मुझे पृथ्वी लोक भेजा ताकि मैं वहाँ मारी जाऊँ और किसी को खबर ना लगे। उन लोगों ने बेल पत्र पहना था, इससे ये साफ प्रतीत होता है कि वो लोग जानते थे कि मैं एक नागिन हूँ। जरूर उसने ये सब इसलिए किया ताकि मैं मारी जाऊँ और उसका प्रेमी यानी मेरा भाई नागराज की गद्दी पर बैठे। दोस्त को मारने से पहले मैं भाई को मारूंगी। वो तो दोस्त थी पर भाई तो मेरा सगा था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नेत्रा इतना कहकर अपने भाई के कक्ष में जाकर छुप जाती है और वहाँ
वो अपने भाई को अकेले में बोलते देखती है। दीदी आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? कहाँ हो आप? आपका कुछ पता नहीं है। सबको लग रहा होगा कि मैंने गद्दी के चक्कर में आपको गायब किया है, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं ऐसा क्यों करूँगा, वापस आ जाओ। आप जादुई गोले पर भी दिखाई नहीं दे रही। जादुई गोले पर तब दिखूंगी जब जिंदा होंगी मेरे भाई, पर अगर तूने मुझे नहीं मारा तो किसने मारा? तभी वहाँ रोते हुए मेनका आती है और किशोर को दिलासा देते हुए कहती है, बस करो किशोर, कितना रोओगे, तुम्हें नागलोक भी संभालना है, इसलिए तुम खुद को संभालो। पता नहीं मेरी सखी कहाँ चली गई, मैंने तो उसे कई दिनों से नहीं देखा। कितना झूठ बोल रही है मेनका, इसने मुझे खुद पृथ्वी लोक ले जाकर मरवाया और अब ये यहाँ झूठ कह रही है। जिसके बाद मेनका वहाँ से निकलकर अपने कक्ष की तरफ आती है और नेत्रा उसका पीछा करते हुए उसके कक्ष में पहुँचती है और उसके सामने आकर कहती है, ये नागिन अपना बदला लिए बिना नहीं मरने वाली। ये सब तूने इसलिए किया ना ताकि मैं मर जाऊं और तेरे होने वाले वर यानी किशोर को नाग सिंहासन मिल जाए। अरे ऐसे ही मांग लेती, मेरी जान लेने की क्या जरूरत थी? मुझे माफ कर दो नेत्रा, मैं लालच में अंधी हो गई थी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमको मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन मुझे कुछ तुम्हें बताना है, जिसे जानकर अगर तुम मुझे मारना भी चाहोगी तो भी मुझे कोई मलाल नहीं होगा। जिसके बाद मेनका नेत्रा को कुछ ऐसा बताती है जिसे जानकर नेत्रा को अपने कानों पर यकीन नहीं होता और वो मेनका को अपनी पूंछ में लपेटकर नाग दरबार में ले जाती है, जहाँ सभी नाग नागिनों के साथ नागराज और किशोर भी मौजूद थे। तभी नागराज नेत्रा को देखकर कहती है, ये क्या नेत्रा, कहाँ चली गई थी तुम, और तुमने अपनी सखी को ऐसे बंदी क्यों बनाया हुआ है? नेत्रा मेनका को खोल देती है और मेनका सबके आगे कहती है, नागराज किशोर और सभी नाग नागिन सच सुनिए। हुआ ये था कि नागराज एक दिन मेरे कक्ष में आए और उन्होंने मुझे बताया कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा नाग सिंहासन संभाले। वो किशोर को अपना वारिस बनाना चाहते थे, लेकिन वो नागलोक की प्रथा को तो नहीं तोड़ सकते थे। वो जानते थे कि नागलोक में नेत्रा को नहीं मारा जा सकता, इसलिए उन्होंने कुछ गुंडों को पैसे दिए और मुझे उसे जाल में फंसा कर ले जाने को कहा। उन्होंने वादा किया था कि उसके बाद किशोर नागराज बनेगा तो वो मेरा विवाह उसके साथ करवा देंगे। ये हुआ था उस दिन। पिताजी आप बता देते, मैं खुद सिंहासन छोड़ देती। आपने अपनी ही पुत्री की जान ले ली, ये तो शिव जी की कृपा से मुझे उन्होंने एक हफ्ता जीवित रहकर अपने कातिलों को मारने का वरदान दिया। अब आप ही बताइए, मैं अपने ही जन्मदाता को कैसे मारूं? नहीं चाहिए मुझे ऐसा सिंहासन जिस पर मेरे ही अपनों का खून लगा हो, और मेनका तुमको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर किशोर अपनी ही प्रेमिका मेनका को डस कर मार देता है और नेत्रा अपने पिता को क्रोध में मार डालती है। जिसके बाद किशोर कहता है, आप कहीं मत जाओ, पिताजी चले गए, मेनका चली गई, अब मैं आपको नहीं खोना चाहता। मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, बस मेरे अपने चाहिए। इस सिंहासन के लिए तुम्हारे पिता और बहन की जान गई है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस पर जरूर बैठो, नागलोक संभालो, वरना हमारे पिताजी की मृत्यु बेकार जाएगी और मैं ये नहीं चाहती। अब मुझे जाना होगा मेरे भाई, मेरा बदला पूरा हुआ। इतना कहकर नेत्रा धूल समान हवा में घुल जाती है और उसका बदला पूरा होता है। अगर ये शादी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, इस शादी को किसी भी हाल में रोकना होगा। एक नागिन और भूत की शादी नहीं हो सकती। आखिर क्यों एक नागिन भूत के साथ शादी करने पर मजबूर हुई, इस कहानी को पूरा जानने के लिए चलिए थोड़ा वक्त पीछे चलते हैं। राघव एक मोस्ट वांटेड गुंडा था और पुलिस एनकाउंटर में अपनी मौत के बाद एक भूत बनकर भटक रहा था और पीपल के पेड़ पर उल्टा लटक कर अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसकी नजर एक सांप पर जाती है जो अचानक ही एक सुंदर सी कन्या में बदल जाता है। वो कन्या पास के शिव मंदिर में जाती है। दूर से पेड़ पर लटके ये सब देख रहे राघव भूत की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो खुद को बोलता है, जो मैंने देखा वो सच है क्या? एक इच्छाधारी नागिन मेरी आंखों के सामने अपने सांप रूप से इंसानी रूप में आई। वाओ, ये तो भूत जिंदगी की मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसका तो फायदा उठाना चाहिए। राघव नागिन के मंदिर से बाहर आने की प्रतीक्षा करता है
और कुछ ही देर में शिवन्या नाम की नागिन अपने इंसानी रूप में मंदिर से बाहर आती है। तभी उसको पेड़ पर लटका राघव का भूत आवाज देते हुए कहता है, ओए इच्छाधारी नागिन, इधर तो आओ। कौन है ये जो इतनी उदंडता भरे शब्दों से मेरा आवाहन कर रहा है? इधर उधर क्या देखती हो, सामने पीपल के पेड़ पे देखो ना। शिवन्या के सामने देखने पर उसको एक पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका राघव दिखता है। ये देखकर वो उसके पास जाकर बोलती है, तुम कौन हो जो इंसान जैसे शरीर के साथ राक्षसी जैसे हाव भाव लिए हुए हो? मैं एक भूत हूँ जो अपने कर्मों के कारण मर के भी धरती पर अटका हुआ हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम एक इच्छाधारी नागिन हो ना? सही पहचाना। तो अब ये बताओ कि आम इंसानों की तरह धरती पर होने की बजाय तुम ऐसे पेड़ से क्यों लटके हो? तो तुम नाग नागिनों का दिमाग क्या पूंछ में होता है? अभी बताया कि मैं एक भूत हूँ, फिर वही पूछ रही हो। नागिन शिवन्या से बातें करते करते राघव उसके सामने अपनी नाग लोक घूमने की इच्छा रखता है, जिस पर शिवन्या बोलती है, अरे जहाँ जाने की तुम बात कर रहे हो ना, वो नागलोक है, तुम्हारे अब्बा का घर नहीं है जो मुंह उठाकर चल दिए। यार तुम एक भूत की मदद नहीं कर सकती प्लीज, पहले गरीबी से तड़प तड़प के मेरी मौत हो गई और अब मरने के बाद भी एक नागिन होकर तुम मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। गरीबी से तड़प के मरे हो, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, तुमको देखते ही तुम्हारी सारी जीवन कुंडली पता चल गई। तुम एक गुंडे थे और धरती के रक्षकों द्वारा तुम मारे गए। अपनी सच्चाई सुनकर राघव को नाग लोक देखने का सपना सपना ही रहता नजर आता है, जिसके बाद वो इस सपने को पूरा करने के लिए नागिन के पैरों में गिर जाता है और मजबूरन उसके नाग लोक ले जाने की बात को शिवन्या को मानना पड़ता है, जिस पर वो बोलती है, ठीक है तुम चल सकते हो, लेकिन अपने इस भूतिया रूप में नहीं। रुको, मैं तुम्हें एक अच्छा लुभावना नाग रूप देती हूँ, ताकि किसी को भी तुम्हारे इस भयंकर रूप के बारे में पता ना चले। शिवन्या नागिन उस राघव भूत को अपनी शक्तियों से एक सुंदर सा नाग का रूप देती है, लेकिन कोई भी उसको छू नहीं सकता था, क्योंकि किसी भी नाग नागिन द्वारा स्पर्श करने पर वो वापस से अपने असली भूत रूप में आ जाएगा। इतना करके नागिन शिवन्या राघव के साथ नागलोक पहुंचती है और वहां सबको राघव को अपना नाग मित्र कहकर मिलवाती है। राघव के नाग रूप को देखकर वहां की नागिने उस पर मोहित होने लगती है और एक शाम राघव को अकेला देखकर मेनका नागिन उसके पास आकर बोलती है, हे नाग, तुम दिखने में तो अत्यंत सुंदर हो, लेकिन तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? वो भूतों की शादी नहीं होती ना। भूतों? वो मेरा मतलब कि मुझे अभी तक मेरे हिसाब की लड़की नहीं मिली। तुम एक नाग हो तो किसी नागिन से ही विवाह करोगे ना, और देखो तुम्हारे आसपास कोई सुंदर नागिन हो जो तुमसे बात करती हो, तुम उससे विवाह कर सकते हो। अच्छा। राघव को मेनका से बात करता देखकर शिवन्या को जलन महसूस होती है और वो उसको हाथ पकड़कर अपने कक्ष में ले जाती है। कक्ष में आकर राघव भूत रूप में बदल जाता है। ये देखकर शिवन्या बोलती है, तुमको बोला था ना खुद को किसी नागिन को छूने मत देना। ध्यान से देखो, खुद ही हाथ पकड़ के लाई हो मुझे, दूसरों को छूने से मना कर रही हो और खुद ही छू रही हो। बस बस, वो मैं जल्दबाजी में ले आई, अब जल्दी से मैं तुम्हारा रूप बदल देती हूँ, वरना अगर किसी ने एक भूत को नागलोक में देख लिया ना तो बवाल हो जाना है। शिवन्या जैसे ही राघव का भूत रूप नाग रूप में बदलती है, तभी उसके कक्ष में शिवन्या की माँ नक्षिका नागिन आती है, जो उन दोनों को साथ में देखकर बोलती है, ये क्या तुम इस मेहमान नाग के साथ इस कक्ष में अकेले क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं, बस हम यूं ही बात कर रहे थे। अच्छा तुम अपने कक्ष में जाओ। शिवन्या अपनी माँ के मन में चल रहे शक को गलत ठहरा कर चली जाती है। राघव के नाग लोक में रहने तक वो हमेशा शिवन्या के साथ ही घूमता फिरता, जिसके कारण एक भूत और नागिन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ना चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। ऐसे ही एक शाम नाग लोक के वन में झूले पर बैठकर शिवन्या राघव से उसके इंसानी जीवन के बारे में पूछती है, जिस पर राघव बोलता है, तुमको पता है मैं भी एक शरीफ इंसान था,
लेकिन जब सब जगह से ईमानदारी अपनाकर भी गालियां खानी पड़ी तो मैंने चोरी चकारी का काम किया और गुंडा बन गया। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी बेगुनाह और जरूरतमंदों को नहीं लूटा, बल्कि अमीरजादों की काली कमाई ही लूटी है। लेकिन अफसोस, मुझे और जीना था, लेकिन मेरे काम के चलते मेरे दुश्मन इतने थे कि एक दिन मुझे पुलिस, जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी, उसके हाथों मौत मिली। मुझे अब दोबारा इंसानी रूप तो मिलेगा नहीं, और दुख इस बात का है कि मेरी माँ मेरे जाने के बाद अकेली रह गई। तुम भूत बनकर अपनी माँ के साथ नहीं रह सकते? नहीं, क्योंकि भूत की कोई जिंदगी नहीं होती, और किसी भी दिन मेरे भटकने की अवधि खत्म हो सकती है और मुझे दूसरा जन्म मिल सकता है किसी चूहे का, बिल्ली का। इंसानी जन्म तो मुझे मिलने से रहा, काश मुझे नाग रूप मिल जाए, कम से कम मैं अपने प्यार के साथ तो रह लूंगा। राघव के मुंह से अपने लिए अप्रत्यक्ष प्यार का इजहार सुनकर शिवन्या के मुंह पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है, लेकिन तभी उसके पास एक संदेश आता है कि नागराज ने उसका विवाह तय कर दिया है। इस बात की खबर लगते ही शिवन्या अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ मैं नागराज की पुत्री हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला वो ही लेंगे। विवाह मेरा है तो फैसला भी मेरा होगा। मैं जानती हूँ आज तुम ये फैसला किसके प्रेम में पढ़कर ले रही हो। वो जिसे नाग बनाकर इस नाग लोक में लाई हो, असल में वो एक नाग नहीं भूत है। आप ये क्या कह रही हैं? ये सच नहीं है। आपको किसने कहा कि वो भूत है? कोई कहता तो ना मानती, लेकिन उस दिन मैंने अपनी आँखों से देखा था तुमको उसका रूप बदलते हुए। नक्षिका शिवन्या को उसके सवाल का जवाब देने के बाद विवाह के लिए हामी भरने को बोलती है। विवाह के लिए हाँ करने के कुछ देर बाद शिवन्या राघव के पास जाती है और उसका हाथ अपने हाथों में लेती है, जिसके कारण वो अपने भूत रूप में आ जाता है। तभी शिवन्या बोलती है, मेरा विवाह होने वाला है, मैं चाहती हूँ तुम मेरे वर बनो, मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। लेकिन ये संभव है? कहीं इसका कोई गलत असर तो नहीं होगा तुम पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नाग लोक में नागिन शिवन्या के विवाह की तैयारियां हो रही होती है। उसका विवाह नाग लोक के सबसे सुप्रसिद्ध नाग नागेश से हो रहा था, लेकिन विवाह के दिन शिवन्या नागेश को अपनी शक्तियों से मूर्छित करके उसकी जगह सहरे में राघव को ले आती है, और फेरों के वक्त जब वो उसका हाथ पकड़ती है तो सहरे में उसका चेहरा बदल के भूतिया हो जाता है। और ये देखकर शिवन्या की मां नक्षिका बोलती है, ये क्या, अगर ये शादी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। नक्षिका विवाह रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक फेरे पूरे हो चुके थे। राघव शिवन्या की मांग में सिंदूर भर देता है और एक भूत और नागिन की शादी संपन्न हो जाती है, जिसके बाद शिवन्या एकदम से बेजान होकर गिर जाती है और राघव उसे संभालते हुए अपना सहारा देता है। तभी सब लोग देख लेते हैं कि वो भूत है, लेकिन तभी नक्षिका अपनी बेटी के पास आकर बोलती है, मैंने कहा था शिवन्या, एक भूत और नागिन का विवाह नहीं हो सकता, तुमको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। क्या? लेकिन माँ, मेरी मौत मेरे प्रेम को एक इंसानी शरीर देगी, इसके लिए मुझे मौत भी मंजूर है। राघव, तुम मेरी मौत के पश्चात एक इंसान बन जाओगे, एक जीवित इंसान, फिर तुम अपनी माँ के साथ जाकर अच्छे से रह सकते हो। तुमने ऐसा क्यों किया शिवन्या? मैं तुम्हारे साथ भी तो रहना चाहता था, ये शादी तुम्हारी मौत का कारण बनेगी, ये जानकर मैं कभी ये शादी नहीं करता। इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, अब मैं जा रही हूँ, अगर हमारा मिलन लिखा होगा तो अगले जन्म जरूर मिलेंगे। शिवन्या की सांसें बंद होते ही राघव को उसका इंसानी शरीर वापस मिलता है, जिसके बाद वो धरती लोक तो लौटता है, लेकिन अपने प्यार को खो जाने का दुख उसे हमेशा रहता है।